हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज वीकेंड का दिन है। अभी तक कोई प्लान नहीं था, अभी सुबह उठे थे, जस्ट ब्रेकफास्ट कराए, तो इतने में एक बचपन का दोस्त है मेरा का कॉल आ गया और बोल रहा कि भाई चलो आज घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा भाई कहाँ जाएगा घूमने, तो कहता है सीपी जाएंगे, कनॉट प्लेस। अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही खराबादी चल रही है, तो देखते हैं, चलते होते हैं तैयार। वरना वैसे मैं इतनी शॉर्ट नोटिस में किसी के जाता नहीं, पर बचपन का दोस्त है तो इसलिए चलो मिलते हैं। तो भाई मेट्रो में हम पहुंच चुके हैं और अब मेट्रो का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक मेट्रो आती है। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने बचपन के दोस्त से। सो गाइस, अब हम घूम रहे हैं ये सीपी के गोल चक्कर में। और बताइए राहुल जी, कैसा लग रहा है आपको इस गोल चक्कर में? यहाँ आकर हमें बहुत ही सुकून मिला, दिल को सुकून मिल गया। कैसा सुकून मिल रहा है? मौसम बहुत ही अच्छा है, अच्छी चल रही है। आप भी आनंद ले सकते हैं इसी हफ्ते में अगर आप आ जाएं तो वरना आनंद ख़त्म हो जाएगा, आनंद हो जाएगा वरना धूप आ जाएगी कड़ाके की और आप सारा आनंद जो है अपना मिस कर दोगे। यहाँ पे धूप आ ही रखी है और तेज़ हो जाएगी, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका। अच्छा, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और ये नॉट ए कपिल सीजन, कपिल सीजन खत्म हो चुका है, समर सीजन स्टार्ट हो गई। हाँ, स्टार्ट हो चुका है। ये अपनी सीपी की बिल्डिंग है। और कुछ बताओ राहुल भाई। उनका इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे, देखिए गाइस। इसमें ब्लॉग में दिखा देता हूँ। अबे रुक जाना, अपमानजनक बातें कर रहा है ये। अब हम सोच रहे हैं कि सेंट्रल पार्क की तरफ चले। राहुल कैसी बात है, सेंट्रल पार्क चलेंगे, मजा आ जाएगा, वहाँ करेंगे मजे करेंगे वहाँ पे। चले गए सेंट्रल पार्क में। हाँ भाई, कैसे? अरे भैया तुम कहाँ थे? हम तो यहीं पे थे, घंटा यहीं पे हमारा, तुम्हारा आधा घंटा हो गया यहाँ पे वेट करे। तो गाइज ये है मेरा बचपन का स्कूल का दोस्त। हेलो गाइज, अपने बारे में बताओ कुछ इन्हें। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। सुकून मिल रहा तुम्हें? बहुत सुकून मिल रहा है, यहाँ धूप देख रही हूँ, नज़ारे दिखाऊं? चलो दिखा रही नज़ारे। ये देखो भाई नज़ारे यहाँ के। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फूल ही फूल है सारे हर जगह। ये देखो, ये है सीपी का सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस। और ये हमारा दोस्त बैठा। अच्छा, इसके बारे में जरा कुछ बता दूँ मैं। ये अच्छा बताना। अच्छा ही बता रहे हैं, रुको तुम्हारे बारे में बता रहे हैं। देखिए, इस पर अभी 3 केस चल रहे हैं। एक चल रहा है इस पर ज़मीन कब जाने का, ठीक है। दूसरा चल रहा है इस पर वसूली, ठीक है। तीसरा चल रहा है हाफ बर्थ का, इसलिए ये अपनी शकल छुपाए हुए बैठा हुआ बंदा। क्या बात है सर। सो गाइस, ये रहे हमारे मित्र। हाँ भाई बताओ, केस में बरी हो गए, ऐसे घूम रहे तुम बिना बरी? केस अभी चल रहा है, और अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, हम सारा सॉर्ट करके दे देते। अच्छा जी, तो सारा केस वेस छुड़वा देते हो आप? सारा केस छुड़वा देते आप, बस हम तक आइए, बाकी उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन द फकर बास्टर द रब। उसके बाद आप टेंशन में रहिए, इसके बाद आप टेंशन फ्री। अच्छा जी, ओके। तो भाई आप अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो, बताओ जरा। चेहरा नहीं दिखाते हम। चेहरा दिखाते पुलिस फिर से पकड़ लेके जाएगी। बहुत मुश्किल से छूट के आते हैं भाई। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, तो जो आपके पास मुकदमे चल रहे हैं वो छूटेंगे कब आपके? वो चलते रहेंगे, जैसे जिंदगी चलती रहती है मुकदमे भी चलते रहते, आते रहते जाते रहते। अच्छा, तो आज आपके यहाँ आने का तात्पर्य क्या है, क्यों आए हो आज आप यहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ही अच्छे अच्छे फूल खिल रखे हैं यहाँ पर। फूल कैसे हैं हमें भी दिखाओ जरा, आके घुमाओ अपने। आप जरा नज़ारे देख सकते हैं। ओहो, ये फूल कह रहे हो आप? जी जी। अच्छा, इन फूलों के चक्कर में आए? हरियाली हरियाली है, और अगर आपको दूसरी हरियाली चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। बस वो उन हरियाली को आप छू नहीं सकते, दूर से ही नज़ारे आपको देखने पड़ेंगे। ओहो, ये बजाय आपकी आने की। जी ठीक 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 ठीक
मैंने तो सुना आप शॉपिंग वगैरह भी करने आए हैं। आप शॉपिंग कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए तो ज़रूर कर लेंगे। अच्छा जी, क्या लोगे बेसिकली अगर मिल जाए तो? मिल जाए तो समझ रहे हो ना, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम आए नहीं है, बस जो चीज़ आंखों को पसंद आ जाए उन्हीं को। आपकी आंखों में से हमें थोड़ी सी बू आ रही है किसी चीज़ की। कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उन्हें हम ले लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। आपकी आंखें जो घूम रही है, ये हमें अभी एक धारा होती है उसके तहत अंदर करवा सकती है। 9 सेकंड से ज़्यादा घूमना पाप है, आपको पता है वो कानून है इसके ऊपर। कानून तोड़ना हमारा बचपन से पेशा है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो और मतलब क्या लग रहा है आपको यहाँ आके, मतलब मज़ा कितना आ रहा है यहाँ आके? एक तो शांति है, माहौल बड़ा ही अच्छा है, लोग हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ आए हैं, कुछ अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ आए हैं, जो कि सभी के लिए अच्छी बात है। और माहौल बड़ा ही सुंदर है माहौल। अच्छा, बहुत सुंदर है दिल को। अरे अभी आप कह रहे थे ना कि वैसे नज़ारों की बात कर रहे थे, वो बताओ जरा। हाँ, तो ये डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो किस वाले नज़ारे को देखने आया है। मैं तो यहाँ फूल देखने आया हूँ, अगर आप कलिया ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिल जाएंगी। मैं अच्छा, कलिया कहाँ की तरफ को मिलेंगी जरा हमारे को बताइए, फिर हम कैमरे से दिखाएंगे उस तरफ कलिया। आप कहाँ, इधर की तरफ कह रहे थे क्या, इन्हीं फूलों की बात कर रहे थे? इन्हीं इसी पुल की बात कर रहा हूँ और इन्हीं फूलों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी तरीके से इन्हें सजा रखा है। ओहो, कुछ और फूल भी दिख रहे हैं यहाँ तो। लेकिन जी जी जी, कुछ और फूल दूसरे फूलों को देख रहे हैं। अच्छा। और ये रहा थोड़ा सा फाउंटेन। अच्छा, और जो कि अभी बंद हो रखा है फिलहाल। हाँ गाइज, ये फाउंटेन बढ़िया सा नज़ारे देता है, अभी ये बंद हो रखा है। जी जी जी। तो राहुल जी स्पेशली ये देखना आए हैं और एक फूल देखना आए हैं। ये फूल देखना है और यहाँ पे ओहो, असली नज़ारे तो यहाँ पे हैं राहुल जी। जी जी। अच्छा, इन्हीं की बात कर रहे थे आप? बात कर रहा था थोड़ा, अगर आप थोड़ा ये सेंटर देखेंगे, बड़े ही खूबसूरती से सजा रखा है। ओहो, इस सेंटर की बात कर रहे हैं आप? और किस सेंटर की बात तो नहीं कर रहे? इसी के लिए बहुत लोग दूर दूर से देखने को आते हैं। ओहो, यही जगह है वो जी, सीपी की और सेंट्रल पार्क। आप भी यहाँ आइए और नज़ारे लुत्फ लीजिए। लेकिन लेकिन माहौल है कुछ माहौल है। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि पहले यहाँ पे माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा होता था, पारिवारिक हो गया थोड़ा है? थोड़ा पारिवारिक। अच्छा, पारिवारिक हो गया माहौल यहाँ पर? पहले ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए था। अच्छा, स्पेसिफिक लोगों के लिए था वो, देख रहे हैं जिन्हें आप पंछी कह सकते हैं, उड़ती फिरू मस्त गगन में। जी वही। अच्छा, पंछियों का था पहले ये मौसम यहाँ पे? सभी के लिए। ओहो, और क्या ही बोले, नजरे इधर उधर घूम जाती हैं, उनके नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी छूटे ना पाए, छूटे आप भी आइए और लुत्फ उठाइए। तो ठीक है जी, अब फिलहाल इतना ही आज के व्लॉग के लिए, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैं थोड़े से और रील्स डाल दूंगा इस सेंट्रल पार्क की वीडियो के साथ अटैच करके, और जिसको भी यहाँ पे फैमिली टाइम स्पेंड करना है। अब पहले से माहौल थोड़ा बढ़िया हो गया है, पहले यहाँ पे स्पेसिफिक कपल्स आते थे और वो कुछ अच्छी हरकतें नहीं करते थे, अब यहाँ पे पूरी फैमिली भी आ रही है, सब कुछ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा अब एक ये पिकनिक डेस्टिनेशन बन चुका है सेंट्रल पार्क, और बहुत ही अच्छा सेंटर ये फूल की टाइम से दे रखी है ना। तो जिस किसी को भी आना हो सीपी में सेंट्रल पार्क, मेट्रो नंबर गेट नंबर 6 से उतर के सेंट्रल पार्क पूछेंगे तो आपको यहाँ का पता मिल जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी मैं आपको ब्रीफ में लोकेशन का बता दूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और व्लॉग अच्छा लगे तो सी यू लेटर एलिगेटर्स ठीक है, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन बाय।